चुनावी बिसात बिछने लगी है। कांग्रेस ने अपने पहले सूची में ही मंत्रियों को प्रत्याशी बना दिया था और जो प्रत्याशी बनने के बाद जो मंत्री हैं अपने क्षेत्र में चले गए, तो राजधानी में जो मंत्रियों का निवास था उस निवास पे अब आप देख सकते हैं माननीय मंत्री जी प्रवास पे हैं। अब इस तरह के बोर्ड लगभग सभी मंत्रियों के जो बोर्ड हैं, जो उनके आवास के सामने जो बोर्ड लगे हैं, उस आवास के बाहर लगा दिया गया है ताकि जो लोग यहाँ पहुँचे उन्हें पूछताछ करने में परेशानी ना हो और उन्हें पहले ही पता चल जाए कि मंत्री जी नहीं है। आपको बता दूँ कि जब मंत्री जी रायपुर में रहते हैं तो लोगों की अपेक्षाएँ रहती है, कुछ काम रहते हैं, यही कारण है कि जो क्षेत्र के जो जनता रहते हैं, मतदाता रहते हैं, मंत्रियों से मिलने के लिए, अपने काम को करवाने के लिए उनसे अपनी जुगाड़ या कह सकते हैं कि उनसे अपने सारे कामों के लिए दरखास्त देने के लिए मंत्री निवास आना पड़ता है। तो इस वक्त हम खड़े हैं रविंद्र चौबे जो कि छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं और ये भी कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए हैं गए हैं, तो ये अपने चुनाव क्षेत्र में चले गए हैं। तो जो कमोबेश जो मंत्रियों का जो निवास है वहाँ पे अक्सर जो है ये आप ही अभी आप सन्नाटा देख रहे होंगे, लेकिन जब ये चुनाव की जब घोषणा नहीं हुई थी तब तक यहाँ पे लोगों का हुजूम लगा हुआ होता था मंत्रियों के पास अपनी फाइल, अपने कागज, अपने पेपर को लेकर, उनसे मुलाकात को लेकर। अब जैसे ही चुनाव की तारीखों का घोषणा हुआ उसके साथ जैसे ही मंत्रियों को प्रत्याशी बना दिया गया तो सारे मंत्री अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए चले गए हैं। तो इसलिए अब आप ये आम नज़ारा हो गया है कि अब माननीय मंत्री जी प्रवास पे हैं। तो अभी हम इसके अलावा और भी मंत्रियों के बंगले के सामने चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि मंत्री जी हैं या मंत्री जी प्रवास पे हैं।